हेलो व्यूअर, देखिए आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा आप लोग कैसे आपका स्मार्टफोन से आपका यूट्यूब चैनल का नेम को कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो। देखिए जब भी हम लोग कोई भी नया यूट्यूब चैनल को क्रिएट करते हैं ना, तब हम लोग उस चैनल का नेम बहुत ही हड़बड़ी में रख देते हैं और आगे जाके हम लोग को पता चलता है कि हम लोगों ने उस चैनल का नेम जो भी रखा हो ना वो सही हुआ नहीं हम लोग का चैनल के लिए, और उसी टाइम हम लोग उस चैनल का नेम को हम लोग का चेंज करना पड़ जाता है। और इसलिए मैं आप लोगों को इस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो लेके आ चुका हूँ और इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। और मैं हूँ आपका दोस्त विप्लव, आप देख रहे हैं आपका खुद का यूट्यूब चैनल विप्लव टेक्नोलॉजी चैनल। चलिए बिना टाइम गवाए आज का इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो व्यूअर्स, ये देखिए अभी आ चुका हूँ मेरा मोबाइल पे। चलिए अभी आप लोगों को दिखाता हूँ आप लोग भी कैसे आपका यूट्यूब चैनल का नेम को कैसे चेंज कर सकते हो। और इसे चेंज करने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल का यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। चलिए मैं अभी मेरा मोबाइल का यूट्यूब एप्लीकेशन को इधर से ओपन कर लेता हूँ। और इस यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले इसमें आपका ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोग जिस यूट्यूब चैनल का नेम को चेंज करना चाहते हो ना वो ईमेल आईडी की आपका यूट्यूब पे लॉगिन है या नहीं। लॉगिन है तो बहुत ही अच्छी बात है, और लॉगिन नहीं है तो सबसे पहले आपका यूट्यूब पे उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लीजिए। और मैंने भी मेरा उस ईमेल आईडी को मेरा यूट्यूब चैनल पे लॉगिन कर लिया। और लॉगिन करने के बाद एक ऊपरी कॉर्नर पे आपका फोटो देखने का मिलेगा उस ईमेल आईडी का, सिंपल से इसे प्रेस कर दीजिए। चलिए मैं भी इसे प्रेस कर देता हूँ। और इसे प्रेस करने के बाद ऊपरी आपको देखने को मिलेगा आपका यूट्यूब चैनल का नेम, और नीचे आपको देखने को मिलेगा यूट चैनल, सिंपल से यूट चैनल को प्रेस कर दीजिए। चलिए मैं अभी इस यूट चैनल को प्रेस कर देता हूँ। और इसे प्रेस करने के बाद देखिए साइड में आपको एक पेंसिल आइकन देखने को मिलेगा, सिंपल से इस पेंसिल आइकन को सबसे पहले प्रेस कर दीजिए। और इसे प्रेस करने के बाद देखिए आप लोग चाहे तो ना इधर से आपका यूट्यूब चैनल का प्रोफाइल फोटो और बैनर को भी चेंज कर सकते हो। और नीचे आपको देखने को मिलेगा नेम, और नेम के बगल में आपको एक पेंसिल आइकन देखने को मिलेगा, सिंपल से इस पेंसिल आइकन को प्रेस कर दीजिए आपका यूट्यूब चैनल का नेम को चेंज करने के लिए। चलिए मैं अभी इस पेंसिल आइकन को प्रेस कर देता हूँ। और इस पेंसिल आइकन को प्रेस करने के बाद एक इधर भी आपका यूट्यूब चैनल का नेम देखने को मिलेगा, अभी सिंपल से इसे रिमूव कर लीजिए। और रिमूव करने के बाद अभी आपका यूट्यूब चैनल का जो भी नाम रखना चाहते हो ना वो इसमें लिख लीजिए। और लिखने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा शिफ्ट, सिंपल से शिफ्ट को प्रेस कर दीजिए। अभी मैं यूट्यूब चैनल का नेम को चेंज नहीं करूंगा, अभी सिंपल से मैं कैंसिल कर देता हूँ। और अभी इस यूट्यूब चैनल का नेम को चेंज करने के बाद अभी आपका यूट्यूब चैनल का हैंडल को भी चेंज करना पड़ेगा। और इसे चेंज करने के लिए नीचे आपको देखने को मिलेगा हैंडल, और इस हैंडल के बगल में आपको एक पेंसिल आइकन देखने को मिलेगा, अभी सिंपल से इस पेंसिल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अभी इधर से भी आपका यूट्यूब चैनल का नेम को रिमूव करने के बाद अभी आपने जो नया यूट्यूब चैनल का नेम को रखा था ना उस नेम को इसमें भी लिख लीजिए। लिखने के बाद नीचे देखने को मिलेगा सिर्फ, सिंपल से सेव को प्रेस कर दीजिए। देखिए एक बात हमेशा आपका दिमाग में रखना पड़ेगा, जो कि अभी तो आपको यूट्यूब चैनल का नेम को चेंज कर सकते हो, लेकिन फिर से आपको यूट्यूब चैनल का नेम को चेंज करने के लिए आपको 14 डेज तक वेट करना पड़ेगा। और इसलिए आप लोग का यूट्यूब चैनल का जो भी नाम रखो ना वो आपको सोच समझ के रखना, और यही तो आपका यूट्यूब चैनल का नेम को चेंज करने का बहुत ही ईजी सा प्रोसेस। और ये वीडियो आप सभी यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख के आप सभी को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और ये वीडियो आपको देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटा वाला आइकन है उसे भी दबा देना, क्योंकि मैं आप लोगों के ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ हमेशा लाता रहता हूँ। और आप लोग चाहे तो वीडियो को आपका जितना भी फ्रेंड है सभी के पास शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।